गुड मॉर्निंग, मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए न्यू व्लॉग लेके। तो इस व्लॉग में मेरे साथ ये देखिए, ओ हेलो, यहाँ पे बोल दो कुछ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह रही है ये दोनों, और एक और फ्रेंड है हमारी जो मेरे साथ आने वाली है अभी। तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और मैं आज जहाँ भी जाने वाली हूँ ना, आपको भी बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में। हम अब चले हुए हैं यहाँ से, स्टेयर दिखती है यहाँ पे, चढ़ते चढ़ते देखो पूरे हाल ही हो जाते हैं। चला नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसे ये तो दीक्षा तो बुढ़ी है बहुत, इसका तो बुढ़ापा भी नजर आ रहा है कुछ, क्योंकि ये चलने में बहुत ज्यादा नहीं, मम्मी का नहीं, मैं सबसे आगे हूँ और ये भी देखो पीछे चली गई। बहुत मजा आने वाला है, सीरियसली मजाक नहीं करी मैं, क्योंकि जो आप देखना चाहते थे आज मैं वही जा रही हूँ, बट नहीं बताऊंगी अभी, मैं बाद में बताऊंगी। लेट हम बहुत ज्यादा हो गए हैं हम तीनों, दीक्षा का तो मेकअप ही खत्म नहीं हो रहा था, माय गॉड है, ये तो बहुत ज्यादा तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी, और मैं और इसी तो फटाफट से तैयार हो गए थे, इसके कभी कुछ भूल रहा था। बहुत ही लेट हो गई है, और वो कब से बेचारी धूप में बैठी होगी, हमारा वेट कर रही होगी, इसको तो प्यास भी लगने लग गई है, पानी जो कि है लाया नहीं हमने, जल्दबाजी में भूल जाते हैं हमें अभी, क्योंकि बता नहीं सकती कहाँ पे पहुँचना है, जब वो मिलेगी तभी बताऊंगी मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। वो रही शिवानी, वो देखो शिवानी यहाँ पे बेचारी बैठी है, ये तो हमारा वेट करते करते ही थक गई है, इसने हमारा बहुत वेट किया यार, पता है 2 घंटे से मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करने लगी हूँ बेचारी यार, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। ये देखो शिवानी, ये है इसका, ये बेचारी 2 घंटे से बोल रही है कि बैठी है, लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा वेट कर, बट मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि ये 2 घंटे हुए इसको वेट करते कहते, 9 बजे मैं तैयार हो गई हूँ, चुप रहे, अपने से बोल रही है शायद ये। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं आज, हम जाखू जा रहे हैं शिवानी के साथ, शिवानी मेरे साथ पहली बार जा रही है आज कहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये मेरे साथ कहीं जाने के लिए तो तैयार हो गई, मैं हमेशा रेडी होती हूँ, ये हमेशा मना करती है कहीं भी जाने के लिए, और सीरियसली आज धूप इतनी है पूछो मत, हाँ यार ठंड, सुबह तो ठंड थी बट धूप बहुत हुए अब। और जो ये मॉल वाला रास्ता है यहाँ पे, इस रास्ते में बहुत मंकी होते हैं, आप संजौली वाले रास्ते से जाओगे तो आपको उतने मंकी नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे तो गाड़ी भी जाती है संजौली वाला रास्ते से तक जाती है गाड़ी। अच्छा अच्छा, यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से तो जाना पड़ता है हमें पैदल, आज तो डर बहुत लग रहा है, इसको तो पसीने ही आ गया है, खैर इसको तो पूछो मत आप। और दीक्षा को तारा देवी जाना था बेचारी, ये तो अभी भी यहाँ से कहते कहते चल रही है, चल रही है कि कुछ, मुझे तारा देवी जाना था, तारा देवी जाना था, बट मुझे तो जाखू जाना था, क्योंकि मैंने आपको दो वीडियोस में मैंने आपको बता चुकी थी, ये हमारे को हमने नहीं जाना था, दो वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि मैं जाखू जाऊंगी, और हाँ यार आज वो दिन आ गया, बट ऊपर को ज्यादा है, नीचे को हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे आते ही मंकी फ्रूटी पी रहा है मजे से, हाँ यार दिख रहा है, ये देखो इसको फ्रूटी पी रहा है, ये पता नहीं किसकी छीन के लाया है, डर लग रहा है अब तो, रिचू तो सबसे पीछे चली है क्योंकि बेचारी इसको तो डर लगा रहता है कि कहीं इसको खा ना ले, बट इसके हाथ में कुछ है नहीं है, हमारे हाँ एक फोन है बस, बट हमारे पास तो बैग है सबके पास, वो रहा जाखू, बट आज मैं भी नहीं आपको जाके भी बताऊंगी यहाँ पे, आप रोप वे में भी जाखू जा सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, बट ब्लर आ रहा है बहुत, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो थोड़ी ये रोप वे लाइन है, पर पर्सन मैं आपको चार्जेस भी बता देती हूँ आने जाने के, 500 है, बट हम लोग वॉकिंग ही जा रहे हैं क्योंकि मैंने व्लॉग भी बनाना था, रिचू का मन तो बहुत था रोप वे में जाने का, बट मैंने इसे कहा क्योंकि मैंने तो व्लॉग बनाना था, बट इसे जाना था, और ये लोग तो शिवानी और दीक्षा तो बहुत आगे चले गए, मैं और रिचू तो, हमें तो गर्मी बहुत लग रही है, प्यास भी लग रही है और गर्मी भी, तो हम तो आराम आराम से चले गए, अभी दिखाऊंगी मैं आपको कितने मंकी मिलते हैं, वैसे तो मैं जाखू गई हुई हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए फिर से जा रही हूँ एक बार, क्योंकि मैंने जब मैं जाखू गई थी तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था 2 वीडियोज में कि मैं जाऊंगी, और आज वो दिन आ गया कि मैं आज चली गई, जा रही हूँ मतलब, बस अब आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे जाखू,
ये देखो अभी तो बैठे हैं शांति से। और देखो इन दोनों को, ये यहाँ पे थक हार के बैठ गया है। हम बिल्कुल नहीं थके, चलने में ये तो इतनी बुरी है, मैं नहीं हूँ बुरी, थक गई है। तो कौन है? चलो चलो यहाँ लेट हो जाएगी हम लोग। 12 बज चुके हैं। दीक्षा के मेकअप ने सारा काम खराब दिया। दीक्षा नहीं, ये सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थी, सिंपल ही रहती थी। ये बहुत ज्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में गाइस, और मैं सबसे कम टाइम लगाती हूँ तैयार होने में। मैं सबसे पहले आ गई हूँ इन तीनों से सबसे पहले। इसका रूम बहुत नजदीक था तो इसलिए ये जल्दी पहुंची। उतना ही टाइम लगता है जितना तुम्हारे लगता है आने में। मेरा रूम पता है, मेरा रूम गली में और इनका मेनली। इसको देख लो एक बार, आप लोग देखो आप कितना मेकअप कर रखा है इसने, पता नहीं क्या किया है, क्या मेकअप। पानी मिल गया है हमें अब पानी पीने के लिए, क्योंकि बॉटल तो लाई नहीं हमने, तो इनकी पानी पी लेते। तो आप दूसरी बार ऐसा मत करना, क्योंकि पानी अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत चढ़ाई है तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है यहाँ से, यहाँ से स्टेयर्स है ऊपर तक जा, खुद तक जाने के लिए स्टेयर्स ही स्टेयर्स है, यहाँ से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, बैठने के लिए फैसिलिटी पूरी है बट बैठ नहीं सकते क्योंकि मंकी बहुत है। बी अवेयर फ्रॉम मंकीज। छोटू सा मंकी है यहाँ पे, ये देखो। शिवानी शायद आज इनको मेरा फोन गिफ्ट करने वाली है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नीचे नहीं रखी फोन, कब से मैं इसे कह रही हूँ। देखो कैसे बैठा है शांति से, डर बहुत लग रहा है बट जाते जाते। ये और ये सबसे ज्यादा डर रही है मंकी से। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है व्लॉग मैं अपने फोन में बना रही हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मेरा फोन इनके हाथ में। मैं इसको बोल रही हूँ कि फोन, मैं बोल रही हूँ इसको फोन बैग में रखे हैं। वेरी फ्लॉप, ये गाना फ्लॉप हो गया है क्योंकि बहुत डर लगता है। मंकी बोल के इन्हें डरती है अब, डर इसको कोई है नहीं। अब जाकू हम पहुंचने वाले हैं, और ये कह रही है इसे एडवांस स्टडी जाना था, कोई कह रहा है तारा देवी जाना था, कोई कह रहा है एडवांस स्टडी जाना था, बट मुझे और शिवानी को जाकू जाना था। नहीं शिवानी को मैं तारा तो देवी जाना। तारा देवी शिवानी को तो कहीं भी ले जाने के, मुझे तो कहीं भी ले जाओ बस बोलने की देर है। ये खुश रहती है कहीं भी जाने के लिए, मुझे घूमने का बहुत शौक है, कहीं भी चल पड़ती हूँ। प्रसाद तो नहीं लेना जी, हम शहर से चढ़ाई कर देंगे। यहाँ से आप लोग प्रसाद ले जा सकते हैं, प्रसाद ले जा सकते हैं आप लोग। अगर आपने कोई भी चढ़ावा चढ़ाना हो, हमें तो नहीं ले जाना बट, तो आप लोग ले जा सकते हैं। अभी देखो कितना सुंदर बना है, यहाँ पे भी आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। अभी ऊपर से बंद हो जाएगा, अभी इसका काम चला हुआ है, इस पे छत लग रही है। यहाँ पे गेट है, देखो पहुंच गए हम श्री हनुमान मंदिर जाखू शिमला, लिखा भी है इसमें। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखो हम जाकू पहुंच गए, बहुत खुश हुआ सच में फाइनली। और हम फिर भी व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि फोन ले जाते हैं बट नहीं, मुझे तो बनाना है व्लॉग। देखो आप लोग, और ये देखिए ये मूर्ति कितनी ऊंची है, आपको मैं बता दूं ये मूर्ति 108 फीट ऊंची है, और इसको बनने में 2 साल लगी थी। ये 2008 से बनी स्टार्ट हुई है और 2010 में कम्प्लीट हुई है। जाकू का मंदिर एक मिनट, वो कितना सुंदर है मंदिर। व्लॉग भी डर डर के बना रही हूँ। ये देखिए पहुंच गए मंदिर, जा रहे हैं अब हम दर्शन करने। हाँ हमें यहाँ पे शूज उतारने पड़ेंगे, जूता घर। ओ यहाँ पे देखो लिखा भी है जूता घर, लिखा है जूता घर, दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे अंदर। आप लोग शूज, ये देखो जूते रखने यहाँ पे सुरक्षित है, तो आप लोग ज्यादा डरिएगा नहीं, यहीं पे शूज उतारिएगा।
इसके अंदर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाना अंदर को। हम दर्शन करके आ जाते हैं वापस, फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। हम दर्शन करके आ गए हैं और ये देखो तिलक भी लगा है, वो मैं आपको मंदिर है बैक साइड से दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये मूर्ति इतनी ऊंची बनी है कि लोग इसको देख के दूर से अट्रैक्ट होते हैं और जाखू आने का उनका पक्का मन करता होगा। गार्डन पहुंच गए, अब हम गार्डन भी दिखा देती हूँ आपको। मंकी तो नहीं है यहाँ कहीं, देख लो पहले कितना सुंदर गार्डन है। काम चला है यहाँ पे तो अभी, ये वाली साइड को, इधर वाली साइड को दिखाती हूँ। अब इनका शुरू हो गया है वीडियो फोटो लेना, अभी इसके तो खत्म ही नहीं होते। जब मल्लिका एक बार शुरू हो जाती है तो बस फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए तो। ओह माय गॉड पोजर, ये मजाक मत उड़ा तू। मजाक नहीं, सच बोल रही हूँ यार। यहाँ पे कैफे भी है, कैफे अंडर ट्री, पर हम यहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमें लेट है। दीक्षा का दुपट्टा ले गया ये मंकी, ये देखो टॉफी दिया मैंने दबी, ये देखो देख रहा है कैसे देख रहा है इसको, डर बहुत लग रहा है सच में, इसका दुपट्टा छोड़ ही नहीं रहा। और ये फ्रूटी तो नहीं है अंकल हमारे पास, देखो इसकी इसका दुपट्टा, ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग आए, देखो यहाँ पे कितने सारे लोग दिख रहे हैं। दुपट्टा मिल गया फाइनली, अब जा रहे हैं हम यहाँ से। ये देखो बेचारी बड़ी मुश्किल से छोड़ा है दुपट्टा। ओ हेलो हेलो मैम, मेरा दुपट्टा लगा गया, मैंने लगाया ही नहीं है और इसे लगाया नहीं है, उस सच में डर गया था, पता नहीं क्या क्या दिया हमने उसको। टॉफी मेरे पास तो एक टॉफी थी तो वही दी मैंने, टॉफी सौंफ पता नहीं चने क्या क्या, फिर भी नहीं छोड़ रहा, फिर भी नहीं छोड़ा था सच में। अब हम झूला झूलने आए थे, दीक्षा का तो वो भी मन नहीं है झूला झूलने का, और व्लॉग यहाँ पे बना नहीं सकते, फोन मेरा अब मेरा नंबर है शायद। झूला झूल के बहुत मजे आ रहे हैं और दीक्षा जी इतनी मजाक उड़ाई है हमने सच में, इसका दुपट्टा तो बेचारी का पहन ही ले रखा है दुपट्टा, मैंने बैग में छुपा के रख दिया है, अब कभी पहनूंगी जब नीचे जाऊंगी जाऊंगी, सुकून मिलता है इस झूले में झूल के। अब हम वापस जा रहे हैं, अभी हमारा व्लॉग खत्म नहीं हुआ, बने रहिएगा हमारे साथ। ये हमारी आज की जर्नी थी, आप लोग भी बोल दीजिए कुछ, आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया जाखू में बहुत ज्यादा। दीक्षा ने तो बहुत ज्यादा क्या कह, दीक्षा के लिए ये बहुत यादगार रहेगी ये जर्नी हमारी, ये यादगार व्लॉग है सबसे सच में। तो देखो हम मॉल पहुंच गए हैं और बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब हम सबने घर जाना है। तो दीक्षा और रिचू अब वापस जा रहे हैं रूम और मैं और शिवानी जा रहे हैं घर, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, देखो इसके बोलने पे करना ही पड़ेगा अब आपको। बाय बाय।